इस तरह से बनाएं आंवला फ्राई, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बनाने में भी बहुत आसान और काफी हेल्दी भी है। इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसके लिए हमने ये ताजे आंवले ले लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से धो लें। आंवला फ्राई बनाने के लिए आंवला को गैस पे चढ़ा दिया है, एक बर्तन में थोड़ा पानी ले लिया है, उसमें आंवला डाल के अब इसमें उबाल आने दें। 5 से 7 मिनट इसे इसी तरह धीमी आंच पे उबलने दें। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, गैस को बंद कर दें और इसे ढका हुई छोड़ दें 5 से 7 मिनट के लिए। आंवला कुछ इस तरह का हो गया है, आंवला का पानी हमने निकाल दिया है। अब इस तरह से ये आंवला को तोड़ लेंगे हम, ये देखिए इस तरह से सारे आंवले को तोड़ लें। इसके बीज को फेंक दें, इसी तरह सारे आंवले कर लें। आंवले के इस तरह से पीसेस काट लें, ये देखिए इस तरह से पतले पतले कर लें। जिस भी साइज में आपको बनाना हो उस हिसाब से आप काट लें। आंवला इस तरह से हो गया है। गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को गर्म होने दे। अब इसमें ये 1/2 चम्मच पंचफोरन का छौंकन दिया है, थोड़ा सा हींग डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हींग डालेंगे। गैस को धीमी आंच पे कर दे। पंचफोरन में सौंफ, मेथी, राई, काला जीरा, जीरा सब मिक्स किया हुआ होता है। अब इसमें हम 1 तेज पत्ता, 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। इन्हें मिक्स कर लें। अब इसमें ये आंवला डाल दें, आंवला डाल के इसे मिक्स करें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें, देखिए इस तरह से। अब इसमें थोड़ी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, हम काली मिर्च डाल रहे हैं। 1/4 चम्मच करीब काली मिर्च डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक डाल दें, बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक डाल दें, स्वाद के अनुसार काला नमक डालें। इन्हें मिक्स कर लें, 1 से 2 मिनट इस तरह से चला लें। ये देखिए कितना अच्छा बना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा गुड़ या फिर चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं, हम इसी तरह से ये बनाएंगे। ये आंवला फ्राई रेडी है, गैस को बंद कर दें, सर्दियों में इसे बना के रखें, ये काफ़ी हेल्दी है खाने में। आंवला शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छे से होती है। इस तरह आसानी से बनाएं आंवला फ्राई। आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो आप शेयर जरूर करें। थैंक यू।